नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर रमाकांत आप सभी छात्रों का अपने इस चैनल द केमिस्ट्री विद डॉक्टर रमाकांत में स्वागत करता हूं। छात्रों आज बात करते हैं, आज चर्चा करते हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल या सेल विभव क्या होता है और हम सेल विभव को कैसे कैलकुलेट करेंगे तथा इससे संबंधित आप न्यूमेरिकल्स को कैसे हल करेंगे। छात्रों मेरे साथ बने रहिए, इस लेक्चर में हम इन सब चीज़ों को अर्थात सेल विभव क्या होता है, सेल विभव को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और सेल विभव से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स जो आपकी बोर्ड परीक्षाओं में आते हैं उनको कैसे हल किया जाता है, इन सब चीज़ों को हम इस लेक्चर में कंसंट्रेट करेंगे। तो चलिए छात्रों शुरू करते हैं कि सेल विभव या सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। छात्रों किसी सेल का विद्युत वाहक बल दोनों इलेक्ट्रोडों के विभवों के अंतर को कहते हैं। वही छात्रों हमने यहाँ पर डिफिनेशन के तौर पर लिखी है, जरा समझने की कोशिश करें। हमने लिखा है किसी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के विभवों के अंतर को सेल का विद्युत वाहक बल या सेल विभव या सेल वोल्टता कहते हैं। किसी सेल का ईएमएफ या सेल विभव निम्न सूत्र से निकालते हैं। क्या सूत्र है छात्रों? ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, जहां पर ई सेल जानते हो क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल या सेल विभव या सेल वोल्टता है। ई कैथोड क्या है छात्रों? कैथोड का अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। ई एनोड क्या है? एनोड का अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। छात्रों ध्यान दीजिए, आईयूपीएससी रिकमेंडेशन के अनुसार इलेक्ट्रोड विभव अपचयन विभवों के रूप में लिखे जाते हैं, अर्थात जितने भी हम इलेक्ट्रोड विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव लिखेंगे वो सभी अपचयन विभव या मानक अपचयन विभवों के परिप्रेक्ष्य में ही होते हैं, ये आईयूपीएससी रिकमेंडेशन है। जबकि अमेरिकन पद्धति में ऑक्सीकरण विभवों को इलेक्ट्रोड विभव के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पर जितने भी विभव होंगे, चाहे कैथोड पर हों या एनोड पर हैं, सभी विभव यानी इलेक्ट्रोड विभव अपचयन के रूप में ही होते हैं और उसी के अनुसार हम कैलकुलेट भी करते हैं। छात्रों यदि किसी सेल में इलेक्ट्रोडों के विभवों को मानक इलेक्ट्रोड विभव के रूप में दिया गया है तो उस कंडीशन में ये सूत्र थोड़ा परिवर्तित हो जाएगा, वहाँ नॉट का प्रयोग हो जाएगा। क्योंकि तो क्या सूत्र हो जाएगा छात्रों? ई सेल नॉट बराबर ई कैथोड नॉट माइनस ई एनोड नॉट, जहां पर ई सेल क्या कहलाएगा, ई सेल नॉट क्या कहलाएगा, वहां पर सेल का विद्युत वाहक बल था। अब यहां पर यह मानक अवस्था है इसलिए हम इसे मानक सेल विभव कहते हैं और इसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कैथोड का कहेंगे, इसे मानक इलेक्ट्रोड विभव एनोड का कहना है। अर्थात ये जो है यहाँ पर सीधा लग जाएगा, कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा ई कैथोड नॉट और ये एनोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव कहलाएगा। तो मानक अवस्था जब में होती है तो ये सूत्र में बस नॉट लग जाता है, बाकी स्थितियाँ सेम रहती हैं। छात्रों एक चीज ध्यान रखिए, कोई भी सेल तभी कार्य करेगी जब उसका विद्युत वाहक बल धनात्मक होगा। यदि विद्युत वाहक बल ऋणात्मक है तो सेल कार्य नहीं करेगी और यदि कार्य करती भी है तो वह विपरीत दिशा में कार्य करेगी, अर्थात उस स्थिति में इस सेल का एनोड कैथोड की तरह तथा कैथोड एनोड की तरह कार्य करने लगेगा। वही छात्रों हमने यहां पर लिखा है कि किसी सेल द्वारा कार्य करना केवल तभी संभव होता है जब उसका विद्युत वाहक बल यानी ई सेल या ई सेल नॉट धनात्मक होता है, अर्थात ऋणात्मक होने पर कार्य नहीं करती हैं, लेकिन यदि कार्य करती हैं तो वो विपरीत दिशा में कार्य करेगी सेल। ठीक छात्रों, तो आपने समझ लिया कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है और इससे निकालने के लिए कौन कौन से सूत्र होते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स की जो आपकी बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर आते हैं। तो चलिए छात्रों अब बात करते हैं इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स की। चलिए छात्रों अब बात करते हैं सेल के विद्युत वाहक बल से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की जो आपकी बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर आते हैं। आप 2-3 सालों के बोर्ड परीक्षाओं के पेपर देखिए, निश्चित तौर पर आपको इस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे छात्रों। और ये प्रश्न बहुत कठिन नहीं होते हैं, बहुत सरल होते हैं। आपको सीधे इसमें फार्मूला लगाना होता है, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड निकाल करके आराम से निकाल सकते हैं छात्रों। लेकिन एक चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली बात है, ये आज हम आपको बता देते हैं छात्रों। यदि सेल में कोई भी सेल आपको दी हुई है, यदि सेल में सांद्रता 1 मोल दी हुई है या किसी प्रकार से उसमें सांद्रता नहीं दी हुई है, जैसे हमने 2 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, एक में सांद्रता 1 मोल दी है, एक में सांद्रता नहीं लिखी हुई है, तो आप वहां पर सेल का विद्युत वाहक बल निकालने के लिए आप इस सेल इस प्रकार के सूत्र का प्रयोग करेंगे, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। अपचयन अवस्था में है, मानक अपचयन अवस्था में तो ई नॉट लगा देंगे, अगर मानक अवस्था में नहीं है तो ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड का प्रयोग करेंगे। किंतु यदि
सांद्रता में परिवर्तन दिया गया है, जैसे यहाँ पर सांद्रता 0.1 मोलर दी हुई है या डिफरेंट दी हुई है या ऐसे कहीं पर डिफरेंट इसमें लिख करके बीच में दे दिया गया है, तब आप इस सूत्र का प्रयोग ना करें। तब आप निर्णय समीकरण का प्रयोग करेंगे। निर्णय समीकरण के माध्यम से छात्रों किसी भी सेल के मानक सेल विभव से विभिन्न सांद्रताओं पर उसके सेल विभव को निकाला जाता है। तो छात्रों चलिए कोई बात नहीं, हम इस प्रकार के सेल अगर जिसमें सांद्रता 1 मोल दी हुई हो या न दी हो तो इस प्रकार के फटाक से निकाल लेंगे। जैसे हमने एक उदाहरण दो उदाहरण दिए हैं छात्रों, समझने की कोशिश करिए। पहला क्वेश्चन है, निम्न सेल का विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। मोस्टली आपके लेवल में बहुत कठिन प्रश्न नहीं आएंगे छात्रों। जैसे कापर 1 वर्टिकल लाइन 2 कापर आयन सांद्रता ब्रैकेट में 1 मोलर दी है, 2 वर्टिकल लाइन Ag आयन सांद्रता 1 मोलर 1 वर्टिकल लाइन Ag, अर्थात ये एक सेल दी है। सेल लिखने का यही तरीका होता है। और छात्रों ध्यान रखिए, सेल के दाएं तरफ जो लिखा होता है वो कैथोड होता है और सेल के बाएं तरफ जो लिखा होता है वो एनोड होता है। और दिए गए आपके मानक अपचयन विभव दिए हुए हैं, ये देखिए यहाँ पर आपको लिखना कैसे है। आप लिखेंगे, हल करेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार दी गई सेल को आप लिख लेंगे और इन मानक अपचयन विभवों को पहले लिखेंगे। लेकिन आप ध्यान दीजिए, क्योंकि कापर का कापर आयन में ऑक्सीकरण हो रहा है, देखिए यहाँ सेल में दिया हुआ है, क्योंकि कापर का कापर आयन में ऑक्सीकरण हो रहा है अर्थात कापर धातु यहाँ पर एनोड की तरह कार्य कर रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया है एनोड, ये एनोड की तरह कार्य कर रहा है। और इसका मानक अपचयन विभव यहाँ पर दिया, वो हमने नोट कर लिया, यहाँ पर वही हमने लिख दिया है, क्योंकि कापर का कापर आयन में ऑक्सीकरण हो रहा है इसलिए कापर धातु वाली क्षण एनोड की तरह कार्य करेगी, अर्थात इस पर की अर्धक्रिया एनोड की अर्धक्रिया होगी। दूसरी आप देख रहे हो इसमें या इसमें सिल्वर आयन सिल्वर में अपचयित हो रहा है, अर्थात यह कैथोड की तरह कार्य करता है। दूसरी तरह हमने बताया भी था कि दाहिनी तरफ कैथोड होता है, बाएं तरफ एनोड होता है। आप डायरेक्ट लिख दीजिए वहां पर, इस तरीके डायरेक्ट लिख दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा चक्कर में पड़ने की आपको जरूरत नहीं है, अन्यथा आप ये लाइन लिख दें तो बहुत बेटर रहेगा। क्योंकि सिल्वर आयन का सिल्वर में अपचयन हो रहा है इसलिए ये कैथोड की तरह कार्य कर रहा है, तो ये कैथोड का मानक अपचयन विभव है, ये एनोड का मानक अपचयन विभव है। अब हम सेल का IMF कैसे निकालेंगे, सेल का IMF क्यों मानक अवस्था में दिए हुए हैं सभी विभव, तो हम ई नॉट ई सेल नॉट बराबर ई कैथोड नॉट माइनस ई एनोड नॉट, यहाँ हमने सिल्वर वाला कैथोड है और कापर वाला एनोड है, ये हमने लिख दिया है ये यहाँ से। उसके बाद मान डाल दिए यहाँ पर 0.80 वोल्ट आपका सिल्वर का कैथोड का मानक अपचयन विभव है और एनोड का मानक अपचयन विभव है 0.34 वोल्ट, हमने डाल दिया। घटा लेने के पश्चात आपको क्या हो जाएगा 0.46 वोल्ट, अर्थात इस प्रकार सेल का विभव हमें जो प्राप्त होगा 0.46 वोल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो छात्रों इस प्रकार कोई कठिन सवाल नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा, सांद्रता अगर समान 1 मोल दी हुई है, समान नहीं 1 मोल दी हो और या सांद्रता न दी हुई हो तो आप इस सूत्र का डायरेक्ट प्रयोग करके आराम से अच्छे से निकाल सकते हैं। दूसरे प्रकार का सवाल देखिए, निम्नलिखित सेल जिसमें जिंक जिंक सल्फेट में और कापर सल्फेट कापर में अपचयित हो रहा है के लिए मानक सेल विभव ज्ञात कीजिए। यदि कापर आयन टू कापर तथा जिंक आयन टू जिंक के मानक अपचयन विभव क्रमशः 0.34 वोल्ट तथा 0.76 वोल्ट है हो, तो इसमें क्या है, आप पहले लिख लेंगे प्रश्नानुसार दी गई सेल आपने लिख लिया Zn जिंक 1 वर्टिकल लाइन जिंक सल्फेट 2 वर्टिकल लाइन कापर सल्फेट 1 वर्टिकल लाइन कापर में। अब देखिए इसमें किसका ऑक्सीकरण हो, जिंक का जिंक सल्फेट में ऑक्सीकरण हो रहा है, कापर सल्फेट का कापर में अपचयन हो रहा है, जिंक का जिंक आयन में जा रहा है अर्थात जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो वही ये जिसका ऑक्सीकरण होता है वो एनोड की तरह कार्य करता है, वही हमने लिख दिया छात्रों यहाँ पर जिंक का जिंक आयन ये एनोड है क्योंकि जिंक का जिंक आयन में ऑक्सीकरण हो रहा है और इसका अपचयन विभव यहाँ पर दिया हुआ है। अब बात करते हैं कापर पर अपचयन हो रहा है, कापर आयन कापर सल्फेट कापर में अपचयित हो रहा है इसलिए ये कैथोड की तरह कार्य करेगा और इसका मानक अपचयन विभव तुम्हारा ये दो दिया हुआ है 0.34 वोल्ट अब हम यहाँ डाल देंगे तो ये कैथोड की तरह। अब आप हमको निकालना क्या है, मानक सेल विभव ज्ञात कीजिए, तो हम मानक सेल विभव का सूत्र डाल देंगे ई सेल नॉट बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड और यहाँ पर ई कापर आपका कैथोड का तरह कार्य कर रहा है और जिंक आपका एनोड की तरह कार्य कर रहा है, ये डाल करके हम के वैल्यूज डाल देंगे और जिसके पश्चात हमें प्राप्त हो जाएगा 1.10 वोल्ट, वो हमका इस सेल का विद्युत वाहक बल मालूम हो जाएगा।
छात्रों इस तरीके से आप अच्छे से प्रश्नों को आराम से लगा सकते हैं, कोई कठिन नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। और यदि सांद्रता एक मोलर से डिफरेंट दी हुई है तब हम नर्नस्ट इक्वेशन का प्रयोग करेंगे। आगे मेरे साथ बने रहिएगा। जब हम नर्नस्ट समीकरण के बारे में चलेंगे तो वहाँ उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स भी आपको लगवाएंगे छात्रों। तो छात्रों कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।